दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दी बीच मूवी को। इस मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एक सुनसान बीच पर फंस जाता है। आखिर वो उस बीच से किस तरह से जिंदा वापस लौट पाते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है और हम रिचर्ड नाम के एक लड़के को देखते हैं। रिचर्ड एक टूरिस्ट होता है जो कि बैंकॉक घूमने के लिए आया होता है। इसके बाद में रिचर्ड एक रूम किराए पर ले लेता है। इसके बाद में जब रिचर्ड अपने रूम में जाता है तो वो गेट नहीं खोल पाता। तभी वहाँ पर नैन्सी नाम की एक सुंदर सी लड़की आती और वो रिचर्ड की मदद करती है और उसका दरवाजा खोल देती है। रिचर्ड नैन्सी को देख करके काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि नैन्सी काफी ज्यादा सुंदर होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर नैन्सी का बॉयफ्रेंड डेफी भी आ जाता है। इसके बाद में नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने कमरे में अकेला सो रहा होता है। तभी अचानक से उसके कमरे की खिड़की से एक आदमी झांक करके देखता है और ये आदमी रिचर्ड का पड़ोसी होता है। इसके बाद में ये आदमी रिचर्ड से सिगरेट मांगता है लेकिन रिचर्ड मना कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी सिगरेट नहीं होती। इसके बाद में ये आदमी रिचर्ड से बातें करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम फ्रैंक है। इसके बाद में फ्रैंक रिचर्ड को बताता है कि उसे एक सीक्रेट बीच के बारे में पता है जहां पर दुनिया का कोई भी आदमी अब तक नहीं गया और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है जो कि धरती पर स्वर्ग की तरह है। लेकिन रिचर्ड को लगता है कि ये आदमी नशेड़ी है इसलिए कुछ भी बके जा रहा है। इसलिए रिचर्ड उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। अगले दिन रिचर्ड जब अपने कमरे में आता है तब उसे अपने कमरे के बाहर एक लेटर मिलता है जिसमें कि एक मैप होता है जो कि थाईलैंड के एक टापू का होता है। रिचर्ड समझ जाता है कि ये फ्रैंक का ही काम है इसलिए वो तुरंत ही फ्रैंक के कमरे में जाता है। लेकिन वहां पर फ्रैंक ने अपनी आत्महत्या कर रखी होती है, वो बुरी तरह से मर चुका होता है। इसके बाद में पुलिस रिचर्ड और बाकी के होटल के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद में रिचर्ड फिर से नैन्सी और डेफी के पास आ जाता है और उन्हें भी मैप दिखाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें कमरे में कोई एडवेंचर नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें कोई एडवेंचर करना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, और वो सीक्रेट आइलैंड के बारे में बता देता है। इसके बाद में नैन्सी और डेफी भी रिचर्ड के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में ये तीनों ट्रेवल करते हुए एक बीच तक पहुंच जाते हैं जहां से आगे की यात्रा ये लोग बोट से करने वाले होते हैं। इसके बाद में ये तीनों केबिन रेंट पर लेते हैं जिसके बाद में हम देखते हैं कि रिचर्ड जब अपने केबिन में जा रहा होता है तभी उसे दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि टूरिस्ट होते हैं। इसके बाद में रिचर्ड उन दोनों के पास जाता है और उनके साथ बैठकर एंजॉय करने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का रिचर्ड से कहता है कि इस समय इस आइलैंड पर एक सीक्रेट बीच के बारे में काफी अफवाह चल रही है जो कि काफी ज्यादा सुंदर द्वीप है। ये सब सुनकर के रिचर्ड समझ जाता है कि ये इसी बीच के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर अभी वो तीनों जा रहे हैं। इसके बाद में रिचर्ड उस मैप की एक और कॉपी तैयार करता है और उन दोनों लड़कों के केबिन के बाहर छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद में रिचर्ड नैन्सी और डेफी बोट लेकर के सुबह होने से पहले ही निकल जाते हैं। असल में रिचर्ड ने मैप की कॉपी इसलिए रखी होती है जिससे किसी को तो उनके बारे में पता हो कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद में रिचर्ड नैन्सी और डेफी को बोट वाला एक आइलैंड पर उतार करके चला जाता है क्योंकि सीक्रेट आइलैंड पर जाना इलीगल होता है और इस टापू से सीक्रेट आइलैंड सिर्फ कुछ किलोमीटर दूरी होता है। इसलिए रिचर्ड नैन्सी और डेफी तैरकर सीक्रेट आइलैंड तक जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद में ये तीनों तैरते हुए किसी तरह से सीक्रेट आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद में ये तीनों झाड़ियों से गुजरते हुए सीक्रेट आइलैंड के बीच पर जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इन्हें वहां पर नशीले पदार्थ की बहुत सारी खेती दिखती है। इसे देख करके ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इसे बेच करके ये बहुत ही ज्यादा अमीर हो सकते हैं। लेकिन अगले ही पल इनका सपना टूट जाता है क्योंकि वहां पर एक बंदर होता है जो कि एक आदमी से बंधा हुआ होता है। तभी वो बंदर अपने मालिक को उठा देता है। ये देखते ही रिचर्ड नैन्सी और डेफी को लेकर तुरंत ही खेतों में छिप जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं और उनके पास गन्स हैं। असल में ये लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से नशीले पदार्थ की खेती कर रहे होते हैं। इसके बाद में ये तीनों किसी तरह से छुपते हुए वहां से निकल जाते हैं और सीक्रेट बीच ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ये चलते हुए एक बहुत बड़े झरने के पास पहुंच जाते हैं और आगे रास्ता भी खत्म हो जाता है। इसके बाद में ये तीनों उस झरने से कूद जाते हैं। अब ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी है जो इन्हें देख करके क्लैपिंग कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे वहां से कूदने में काफी देर लगी तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसके बाद में ये आदमी इन तीनों को लेकर के एक बस्ती में लेकर के जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। ये देख करके रिचर्ड भी हैरान रह जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये आइलैंड पूरी तरह से खाली होगा लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। असल में ये सब भी इन्हीं तीनों की तरह टूरिस्ट होते हैं जो कि एडवेंचर के लिए यहाँ आए होते हैं। इसके बाद में ये तीनों यहाँ के लीडर से मिलते हैं जिसका नाम साल होता है। इसके बाद में साल रिचर्ड नैन्सी और डेफी से पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। जिसके बाद में रिचर्ड बताता है कि फ्रैंक ने उसे इस आइलैंड का एक मैप दिया था। जिसके बाद में साल पूछती है कहीं तुमने इस मैप
को किसी और को तो नहीं दिखाए, जिस पर ये तीनों मना कर देते। रिचर्ड ये बात नहीं बताता है कि उसने एक मैप की कॉपी उन दोनों लड़कों को दी है। इसके बाद मिसाल बताती है कि यहाँ पर हमसे पहले किसान लोग आए थे जो कि यहाँ पर नशीले पदार्थ की खेती कर रहे हैं, जो कि इस आइलैंड के दूसरे हिस्से में रहते हैं, और उन्होंने हमें यहाँ पर रहने की इजाजत दी है, इसीलिए हम सब यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद मिसाल इन तीनों को लेकर के उस सीक्रेट बीच के पास ले जाती है, जिसे देख करके रिचर्ड, नैन्सी और डेफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये बीच बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। वहाँ पर साफ नीला पानी होता है और चारों तरफ बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं, साथ ही साथ ये बीच पूरी तरह से पहाड़ों से ढका हुआ होता है। ये देख करके रिचर्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले इससे ज्यादा सुंदर जगह कभी नहीं देखी होती है। इसके बाद में ये तीनों भी यहीं पर रहने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड नैन्सी से प्यार करने लगा है, लेकिन रिचर्ड नैन्सी से अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाता है, इसलिए हम देखते हैं कि एक रात नैन्सी रिचर्ड को लेकर के बीच पर आ जाती है और नैन्सी रिचर्ड से कहती है कि वो भी उसे प्यार करती। ये सुनकर के रिचर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद में ये दोनों स्विमिंग करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। इसके बाद में नैन्सी रिचर्ड से कहती है, ये हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में डेफी और बाकी के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक दिन रिचर्ड और डेफी जब एक साथ काम कर रहे होते हैं, तभी डेफी को पता चल जाता है कि रिचर्ड नैन्सी से प्यार करता है, इसलिए डेफी रिचर्ड को ज्यादा कुछ नहीं कहता है और वो तुरंत ही नैन्सी से ब्रेकअप कर लेता है। अब एक दिन बहुत ही ज्यादा तेजी से बारिश हो रही होती है, इसलिए कोई भी मछलियां नहीं पकड़ पाता है, लेकिन तभी बारिश में रिचर्ड मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है। ये देख करके सभी हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक से पानी में एक शार्क आ जाती है, तभी सभी लोग रिचर्ड को पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन रिचर्ड पानी से बाहर नहीं आ पाता है। इसके बाद में रिचर्ड शार्क से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही शार्क रिचर्ड के पास आते, रिचर्ड चाकू से शार्क को बुरी तरह से मार देता है। ये देख करके सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रिचर्ड की बहादुरी के लिए सभी लोग उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। ये देख करके नैन्सी भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब नैन्सी और रिचर्ड के बीच काफी अच्छा संबंध भी बन चुका होता है। अब एक दिन साल सभी को बताती है कि उनके राशन में कीड़े लग चुके हैं, इसलिए उन्हें राशन लेने के लिए शहर जाना होगा। इसके बाद में रिचर्ड साल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में सभी लोग अपनी जरूरत के सामान को लिस्ट में लिखवा देते हैं। इसके बाद में साल और रिचर्ड मिलकर के शहर पहुंच जाते हैं और राशन खरीद लेते हैं। इसके बाद में रिचर्ड महसूस करता है कि शहर काफी ज्यादा शोर शराबे से भरा हुआ है, जबकि आइलैंड बहुत ही ज्यादा शांत और सुंदर जगह है। इसके बाद में साल और रिचर्ड एक क्लब में जाते हैं, जहां पर रिचर्ड को वही दोनों लड़के मिलते हैं जिन्हें उसने एक मैप की कॉपी दी थी, जिसके बाद में वो दोनों रिचर्ड से आकर के बातें करने लगते हैं। ये देख करके साल समझ जाती है कि रिचर्ड ने और लोगों को भी आइलैंड के बारे में बता दिया है। इसके बाद में साल रिचर्ड से कहती है, मैं तुम्हारी सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें एक रात मेरे साथ रहना होगा। इसके बाद में साल और रिचर्ड एक रात बिताते हैं। अगले दिन साल और रिचर्ड राशन लेकर के फिर से सीक्रेट आइलैंड पर आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी उनके आइलैंड के बारे में पता नहीं चल पाता है। अब एक रात साल रिचर्ड को उठा करके लेकर के जाती है और वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में साल और रिचर्ड दूरबीन से देखते हैं कि कुछ और लोग हैं जो आइलैंड की तरफ ही आ रहे होते हैं। ये देख करके साल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि ये वही दोनों लड़के होते हैं जिन्हें रिचर्ड ने मैप की कॉपी दी थी। इसके बाद में साल रिचर्ड से कहती है, तुम यहीं पर रुको और उन लोगों को इस आइलैंड पर आने से रोकोगे। इसके बाद में साल वहां से चली जाती है। अब जैसे ही वो सभी लोग सीक्रेट आइलैंड पर आते हैं, तभी हम देखते हैं कि किसान उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद में किसान उन सभी लोगों को गन से शूट करके बुरी तरह से मार देते हैं। ये सब रिचर्ड देख लेता है। तभी फार्मर्स में से एक आदमी रिचर्ड को देख लेता है और वो रिचर्ड के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद में रिचर्ड किसी तरह से भागते हुए बस्ती के लोगों के पास आ जाता है और वो फार्मर्स के बारे में सभी को बता देता है। लेकिन तब तक फार्मर्स का लीडर फार्मर्स को लेकर के वहां पर आ जाता है और सभी पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन फार्मर्स का लीडर इन्हें मारना नहीं चाहता है। वो इन सबको इस आइलैंड से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर होता है कि इसी तरह से अगर लोग यहाँ पर आते रहे तो सीक्रेट आइलैंड के बारे में सभी को पता चल जाएगा और वो यहाँ पर नशीले पदार्थ की खेती भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन साल यहाँ से जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो इस जगह को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन रिचर्ड सभी को यहाँ से चलने के लिए कहता है। इस पर साल और रिचर्ड के बीच में बहस होने लगती है। तभी फार्मर्स का लीडर साल को गन दे देता है और रिचर्ड को मारने के लिए कहता है। अब जैसे ही साल रिचर्ड पर गन तानती है, तो सभी लोग ये देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन साल जब गन चलाती है, तो उसमें से एक भी गोली नहीं निकलती है, क्योंकि फार्मर के लीडर ने खाली गन दी होती है। असल में फार्मर्स के लीडर ने जानबूझकर के खाली गन दी होती है, जिससे कि साल की सच्चाई सबको पता चल सके कि साल यहाँ पर रहने के लिए किसी को भी मार सकती है। इसके बाद में सभी लोग सीक्रेट आइलैंड से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग एक राफ्ट में बैठ करके
फिर से अपनी दुनिया में आ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कोई भी सीक्रेट आइलैंड की सच्चाई किसी को भी नहीं बताता है और कोई भी सीक्रेट आइलैंड की सुंदरता को अभी तक भूल नहीं पाता है। और इसी के साथ में इस मूवी का यहीं पर अंत होता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।